नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह के फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। सेल्फ ग्रूमिंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं सना नज़ीर। आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी, MOBILITY, मोबिलिटी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मोबिलिटी क्या है। एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाना मोबिलिटी कहलाता है, यानी हमारा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना मोबिलिटी है। आज हम जानेंगे मोबिलिटी की दो टेक्निक्स के बारे में, ट्रेलिंग और वाइट केन टेक्निक। तो पहले बात करते हैं ट्रेलिंग के बारे में। जी स्टूडेंट्स, ट्रेलिंग वो टेक्निक है जिसे बसारत से महरूम अफराद बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से ये बआसानी और महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। हम जानेंगे कि ट्रेलिंग टेक्निक को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम ट्रेलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके दीवारों, दरवाजों और मुख्तलिफ निशानात को पहचानते हुए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। हम अपनी उंगलियों को इनकी सतह पर फेरते हुए इन निशानात को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है। अब हम दीवार पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ेंगे जो प्लेन है। थोड़ा सा दूर जाके हमें एक उभरी हुई सतह नजर आएगी। इससे हमें मालूम होगा कि ये दरवाजा है और हम बाहिफाजत इसमें दाखिल हो सकते हैं। जब हम ट्रेलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो चोट लगने के खतरात भी कम होते हैं। वाइट केन यानी कि सफ़ेद छड़ी एक ऐसा आला है जिसे नाबीना अफराद को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ज़रिए से हम महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। इसे अपने लिए बाइसे तहकीर नहीं समझना चाहिए बल्कि ये हमारा वक़ार है। जी स्टूडेंट्स, छड़ी के चार हिस्से होते हैं, हैंडल, ग्रूव, शाफ्ट, टिप। अब सीखते हैं कि छड़ी किस तरह पकड़ी जाती है। हमारे हाथ का सीधा अंगूठा ऊपर की तरफ होगा और शहादत की उंगली इसके बिल्कुल नीचे की तरफ होगी और बाकी की तीन उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं और उंगली और अंगूठे से थोड़ा फासले पर रहकर इन्हें सपोर्ट करती हैं। ये उंगलियां नीचे की जानिब होती हैं। अब हम छड़ी को दाएं बाएं घुमाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, छड़ी के निचले हिस्से यानी के टिप को जमीन की सतह से लगा कर रखें ताकि हर आने वाली रुकावट का आपको अंदाजा हो सके। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।